जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील वाकिया गावामध्ये मागील 7 दिवसांपासून श्रीधाम वृंदावन येथील परमपूज्य श्री हरिदासजी महाराज यांच्या अमृतवाणीतून सुरू असलेल्या भव्य दिव्य संगीतमय ओंकारेश्वर शिव महापुराण कथेची आज सांगता करण्यात आली। या कथेमध्ये 7 दिवस सजीव देखावे देखील सादर करण्यात आले, तर शेवटच्या दिवशी महाआरती करून या शिव महापुराण कथेची सांगता करण्यात आली। या कथेच्या निमित्ताने वाकी गावामधले वातावरण मागील 7 दिवसांपासून भक्तीसागरात तल्लीन झाले होते। तसेच कथेच्या समारोप निमित्त महाप्रसादाचे देखील आयोजन करण्यात आले होते। या शिवमहापुराण कथेच्या कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण वाकी गावातील तरुणांसह संपूर्ण गावकऱ्यांचे सहकार्य लाभले। शिव महापुराण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। जितने भी तरुण लोग, जितने भी जवान लड़के थे, उनका आरएसएस का ग्रुप है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बच्चे थे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भैया, ऐसी ही सेवा जीवन भर करते रहो, परंतु सेवा करते समय अपने अंदर नम्रता का भाव रखो। नम्रता रखकर यदि सेवा करोगे तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं हटोगे। परंतु सेवा करते हो और किसी को गाली देते हो तो फिर ऐसा नहीं चलेगा भैया। नम्रता के भाव से सेवा करो। सेवा उसी को कहते हैं जिसके अंदर नम्रता होती है। जो नम्रता नहीं होती, जो मजबूरी में की जाती, उसे सेवा नहीं, उसे काम कहते हैं। और काम एक नौकर करता है, सेवा एक सेवक करता है। सेवक कोई पैसे नहीं लेता और नौकर किसी के पैसे नहीं छोड़ता। नौकर किसे कहते हैं जो अपने काम करने के पैसे लेता है, और सेवक किसे कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसे सेवक कहते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें, परंतु सेवा करते समय अपने मन में, अपने हृदय में नम्रता का भाव रखो। बहुत अच्छा। जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो पहले दिन तो छोटा स्टेज था नीचे, तो छोटा स्टेज था, तो हमने महाराज को कहा, बोले महाराज ये थोड़ा एक साइड में हो गया, क्या करें अब। पूरा मोहल्ला यहाँ से वहां तक पूरा दिखता है हमारे कमरे में से। हमें कमरा भी इतना बढ़िया दिया, उनका क्या नाम है भैया जी का, हमारे राजू भैया जी, इतना सुंदर महाराज उनका घर है, एकदम उनके घर में से खिड़की है महाराज, उस खिड़की से पूरा का पूरा दिखता है यहाँ स्टेज मंदिर, एकदम पूरा मोहल्ला दिखता है, बड़ा सुंदर। हाँ, सीसीटीवी एक वो तो डायरेक्ट, इसलिए हम देख रहे थे। तो जब ये स्टेज बनाया गया तो इसमें बनाने के लिए बस 2-3 लोग लगे हुए थे, उसको ठोक रहे थे, अब ये नीचे करना था, परंतु कहा महाराज इतना दम किसी में, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। नंदू भैया थे, महाराज थे, 2-3 लोग उसमें थे। कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ हम लोगों का, परंतु इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए भी जिन लोगों का सहकार्य हुआ उनको मैं अपने तरफ से बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छी हो तो समाप्ति भी अच्छी होती है, उसका विश्राम भी अच्छा होता है।
यदि कोई शुरू में ही विघ्न आ जाए तो फिर पूरा कार्यक्रम ही गड़बड़ हो जाता है। पर माता पार्वती के लिए बड़ा सुंदर कक्ष था और उस कक्ष में माता पार्वती बैठी हुई थी, तो माता पार्वती को जरा एकांतवास चाहिए था, जरा एकांत चाहिए था। तो पार्वती माता ने नंदीश्वर को कहा, भगवान शंकर के जो वाहन है नंदी, तो नंदी जी को माता पार्वती ने कहा, बोले नंदी सुनो, मैं जरा अपने कक्ष में बैठी हूं, यदि कक्ष के बाहर कोई भी आ जाए तो उसको मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं भेजना, चाहे कोई भी आ जाए परंतु उसको कक्ष के भीतर नहीं भेजना, चाहे कोई भी आ जाए उसको बिल्कुल मत भेजना। नंदी जी कहते ठीक है माता। नंदी जी बाहर खड़े हो गए, जो भी आता है उसको नंदी जी कहते, बोले भैया पार्वती जी आज्ञा नहीं है माता की, इसलिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते। परंतु कुछ देर के बाद में स्वयं भगवान भोलेनाथ आ गए। जब स्वयं भगवान भोलेनाथ आ गए तो फिर नंदी जी क्या उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि भगवान भोलेनाथ उनके स्वामी है, और दूसरी बात माता पार्वती के कौन है? कौन है? पति देव। माता पार्वती के पतिराज है, फिर उनको कैसे रोक सकते? तो नंदी जी ने भगवान भोलेनाथ को रोका नहीं। आज हम लोगों को कहने से अच्छा है, आप लोगों को तो है ही है, परंतु आपसे ज्यादा मेरा बड़ा परम सौभाग्य कि आज हरिदास आपको जो कथा सुना रहा है यहाँ पर बैठ करके, जो वाणी आपके सामने प्रकट कर रहा है, वो वाणी इस हरिदास की नहीं। हाँ, भले ही मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल जाए तो वो फिर मेरी गलती है, परंतु जो भी 7 दिनों में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी भगवान की कथाएं जो मेरे मुख से निकल रही है, वो हरिदास की नहीं है, वो सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव कृष्णा जी बाबा इनका आशीर्वाद है। और आज मेरा परम सौभाग्य कि मेरे गुरुजी आज मेरी कथा में आकर के विराजमान है। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सामने आ जाते फिर इधर उधर का थोड़ा सा प्रेम से बोलो हर हर महादेव। गुरुजी भी वैसे सामने नहीं, छुप के बैठ के कथा सुनते हैं हमारी, परंतु आज सामने आ गए इसलिए मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक बार उनके लिए प्रेम से ताली बजाइए सब लोग। आज हमारे गुरुजी का इतना बड़ा कार्य है कि उस कार्य की सराहना कोई भी नहीं कर सकता। आपको पता नहीं होगा या फिर पता होगा, मुझे तो पता नहीं, परंतु आज मैं आपको सबको बताऊंगा कि
हमारे घर में कितने बच्चे होते हैं? कितने बच्चे होते हैं? 10, 15, 20, 25? नहीं, दो नहीं तो तीन, ज्यादा से ज्यादा चार। आप लोग अब साइंस पढ़ने लगे हो दसवीं के बाद में। अरे ये साइंस देखो, भगवान ने मरे हुए बच्चे को एक हाथी का सिर लगा करके जीवित कर दिया। गणेश जी आप कितना भी खाने को दो, सब मोदक खा जाते हैं, इसलिए खाकर खाकर गणेश जी का पेट कैसा हो गया? अरे खाकर नहीं हुआ, सुनो इसके पीछे भाव। गणेश जी क्या खाते हैं? हम लोगों के जो विघ्न है, हम लोगों के जीवन में जो दुख है, जो संकट है, वो सभी गणेश जी अपने पेट में समा लेते हैं, इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है। बोल गणेश जी महाराज की। गणेश जी बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद गणेश जी बच्चे थे ऐसे ही। गणेश जी भगवान शंकर की और माता पार्वती के पास मांगे, और गणेश जी क्या कहते हैं सुनो। बोले पिताजी मेरा विवाह करा दो। ठीक 11 बजे सुंदर भंडारा, सुंदर महाप्रसाद होगा ना? हाँ, सुंदर महाप्रसाद भंडारा होगा। भगवान शंकर पार्वती माता का जो विवाह हमारी कथा में हुआ था, उसकी पंगत हरिदास महाराज की तरफ से कल दी जाएगी, परंतु यजमान दूसरे हैं, नाम हरिदास महाराज। प्रेम से बोलो तो खूब, सब लोग प्रेम से उस भोजन को पाने के लिए, प्रसाद को पाने के लिए आइएगा ठीक 11 बजे, और आरती के पहले उसका भी पूजन होगा। तो हम जितने भी भक्त थे, हम लोगों का 7 दिन तक एक परिवार था महाराज। अब कौन कहां से आता है, कौन कहां से आता है, कोई इस गांव से, कोई उस गांव से आता है, कोई इस घर से, कोई उस गली से, इतने सारे लोग 7 दिन तक एकत्रित हुए। ये शिवपुराण कथा किस लिए की जाती है? शिवपुराण कथा केवल कहने और सुनने के लिए नहीं, केवल दर्शन झांकी करने के लिए नहीं, केवल गायन सुनने के लिए नहीं, केवल विनोद सुनने के लिए नहीं, संगीत सुनने के लिए नहीं, माताओं बहनों भैयाओं, ये कथा इसलिए की जाती है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सभी एकत्रित हो, सभी का मन मिले, एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे का आदर हो, एक दूसरे के प्रति नम्रता की भावना हो, इसलिए ये कार्यक्रम, ये सुंदर उपक्रम किया जाता है। ये परिवर्तन का साधन है, ये कोई तमाशा नहीं है, जो पैसे फेंको और तमाशा देखो, नहीं है, ये शिव पुराण की कथा है। ये कथा सुनने के बाद हम लोगों के ऊपर परिणाम होना चाहिए, नहीं तो 7 दिन की कथा सुनी, बोले वाह वाह महाराज ने बहुत बढ़िया कथा सुनाई। इधर ध्यान दो, महाराज ने 7 दिन तक खूब बढ़िया कथा सुनाई, खूब अच्छी अच्छी बातें कही, और 8वां दिन हो गया, और 8वां दिन होने के बाद में सीधे दूसरे को गाली,
बोलने का असर आप लोगों के ऊपर अगले साल तक रहना चाहिए, ये इस कथा का फल है। आप कथा सुन के भले ही कुछ भी मत ले जाओ, कोई कथा आपकी याद में रही या ना रहे कोई बात नहीं, परंतु कथा सुनने के बाद आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के मन में यदि नम्रता की भावना आ जाती है, यदि छोटेपन की भावना आ जाती है, तो समझ लो कि आपकी कथा सुन के आप लोग धन्य हो गए, आपकी कथा सुनने का फल आपको प्राप्त हो गया। और कथा सुनकर भी आपके मन में यदि किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति तिरस्कार है, तो एक नहीं हजार शिवपुराण सुन लो तो भी कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए इस कथा से एक ही ले जाओ कि जीवन में छोटा हो बड़ा हो, उस व्यक्ति को हमसे बड़ा समझो। तुकाराम महाराज कहते हैं, लहान पन देगा देवा, हमें छोटा बनाओ, इसलिए छोटा बनकर रहो, सामने वाले को बड़ा कहो। इतना ही कहूंगा। ये जितना हम लोगों का सुंदर परिवार था वाकी नगरी का, महाराज आप लोगों ने हमें जो प्रेम दिया है, उस प्रेम को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। महाराज बहुत सुंदर, आप भक्त इतने प्रसन्न रहते हो, इतने प्रसन्न मुख से कथा श्रवण करने के लिए आते हो, जब भी भजन होता है तब भी नाचने लग जाते हो। माता एक माता ने कहा, बोले महाराज दो तीन हो गए डम डम डमर वाले नहीं हुआ, आज बोलना। तो हमने कहा ठीक है आज अवश्य आपको नचाएंगे। तो आप लोगों ने हमें बहुत प्रेम दिया। ये हरिदास, आप सभी माता बहनों सभी के प्रेमों को कभी नहीं भूलेगा। जो प्रेम आपने मुझे दिया है, जो आदर आपने हमें दिया है, उस आदर को नहीं भूलेंगे महाराज। नहीं तो हम और भी जगह कथा करने जाते हैं, हमें केवल दो समय की रोटी और रात की कथा, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर यहाँ नहीं, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, महाराज हमारे घर, महाराज हमारे घर, इतना आदर सभी के मन में, सभी के मन में इतना प्रेम, कथा के पहले ही आकर बैठना, माने इतना भाव इतना प्रेम आप लोगों में मैंने देखा, उस प्रेम की सराहना मैं नहीं कर सकता। और यात्रा में मैं स्वयं रहूंगा, हमारे राम महाराज भी रहेंगे, तो किसको किसको काशी यात्रा में जाना है हाथ ऊपर करो जरा, मुझे पता तो चले कि कितने लोगों की इच्छा है। देखो हमारे गुरु जी भी कह रहे मैं भी आऊंगा। अच्छा महाराज भी आएंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि बोले हम आएंगे। देखो कैसे काशी की यात्रा में, आपको बता देता हूँ आपको, हम लोगों की जो यात्रा है 7 दिन की रहेगी, ध्यान देकर सुन लो। हम लोगों की जो काशी की यात्रा है 7 दिन की रहेगी, उस 7 दिन की यात्रा में ध्यान देकर सुनो, काशी जहां पर भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है, स्वयं साक्षात गंगा जी विराजमान है, और 84 घाट उस काशी नगरी में है। महाराज हमने दर्शन किया, महाराज जो काशी बनी अभी मोदी जी के राज में, इतना सुंदर कॉरिडोर काशी में बनाया महाराज, उसको देखने के बाद वहां से निकलने का ही मन नहीं करता, इतना सुंदर मंदिर का बनाया आज के प्रेजेंट समय में। इसलिए काशी अवश्य जाना चाहिए। मैं गया था, 15 दिन रहा महाराज, प्रतिदिन घाट में जाकर रात को बैठना, रात भर एकदम इतना प्रसन्न लगता है। काशी में गंगा जी है, भगवान काशीनाथ, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, काल भैरवनाथ जी का मंदिर, 84 घाट का दर्शन है काशी। उसके बाद में अयोध्या, जहां पर भगवान राम जी का जन्म हुआ, और वहां पर भव्य स्वरूप से जो राम मंदिर बनने वाला है महाराज, उसका सुंदर काम राम मंदिर का चल रहा है, वो देखते ही व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि उस राम मंदिर में सभी का सहकार्य महाराज, पूरे हमारे भारत का सहकार्य है कि नहीं। तो राम मंदिर का सुंदर दर्शन, भगवान राम जी का सुंदर दर्शन, सरयू माता का दर्शन, ऐसी अयोध्या में होगा, काशी अयोध्या और प्रयाग। प्रयाग में क्या है, त्रिवेणी संगम है, लोगों को एक नदी का स्नान नहीं करने को मिलता, वहां तो एक साथ 3-3 नदियों का स्नान करने को, गंगा यमुना और सरस्वती माता का स्नान एक साथ करने को मिलता है। ऐसे त्रिवेणी संगम प्रयागराज को भी हम लोग जाएंगे, और खास करके प्रयागराज में एक वेणी पूजन की विधि होती है जो केवल प्रयागराज में की जाती है, पति और पत्नी के हाथों से वो वेणी पूजन होता है, वो वेणी पूजन की विधि भी आपके हाथों से काशपुर प्रयागराज में की जाएगी। और जिनको जिनको पिंडदान करने की, मैंने अपने पिताजी का पिंडदान अभी काशी में किया था, तो जिनको जिनको पिंडदान देखो भैया, ये भजन केवल आप लोगों के लिए है, सब लोग मिलके आनंद लोगे तभी पूरा गाऊंगा, नहीं तो बीच में ही छोड़ दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मुटु 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 मु
सुनदान लगा मन को भी जगा, धन धन अर्पण कीजिए, सोचो
या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.